संतोष पुजारी सर जो कि KVS है कर्नाटक एजुकेशन सर्विसेज औरा तालुका के BO भी रह चुके, अभी क्या है टाइट में है और उससे पहले हम हाईस्कूल गवर्नमेंट हाईस्कूल HM में रह चुके हैं। फिर ये हमारे नंद कुमार कामले जी सर जो है वो KV में रिटायर रह चुके हैं और शिव कुमार माड़ेगांव यहाँ व्यापारी है, गांधीगंज में उनका शॉप है और मिल है। तो सर्वप्रथम आज इस 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आप सभी को मंच पर उपस्थित जो अतिथिगण हैं आत्मीय हैं और आप सब भी हमारे आत्मीय हो और विद्यार्थीगण विद्यार्थियों को बधाइयाँ देता हूँ। तो यहाँ बहुत ही सुंदर वातावरण बना है क्योंकि यहाँ पर सारे लोग पवित्र आत्माएँ बैठे हुए हैं, सारे किसी के भी बुद्धि में ऐसे गलत विचार ही नहीं है, बिल्कुल नन स्वच्छ। जैसे सर ने बहुत सुंदर रूप से ये जो अपना ध्वज है ना केसरी और श्वेत और हरा रंग इन सबके ऊपर बहुत ही विस्तृत रूप से आपको प्रस्तुत किया है क्योंकि ये विशेष रूप से कर्नाटक एजुकेशन सर्विसेज के बहुत बड़े अंकों को प्राप्त करके अधिकारी बने हुए हैं, उनको बहुत सारा जानकारी है इस विषय के ऊपर। तो हम सभी आप लोगों को देख रहे थे विद्यार्थियों के चेहरे पे और उनका जो मस्तिष्क है ना सर के ऊपर केंद्रित थे, बहुत ही ध्यानपूर्वक वहाँ देख रहे थे। तो आप ये जो और यहाँ जो स्थान भी है आध्यात्मिक से भरा पड़ा है, तो ये वातावरण और आप के विचार और ये सब ध्यान में रखते हुए वातावरण भी स्वच्छ बना हुआ है। तो यहाँ बीदर में सबसे सुंदर कार्यक्रम यहीं पर हो रहा होगा ऐसा मुझे लग रहा, क्योंकि आप सभी इतने सूक्ष्म रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बैठे हैं और ये जो हमारे कामले सर हैं उन्होंने भी बहुत बार प्रस्तुत किया है, बताया कि कुछ ट्रस्ट की ओर से ऐसे ऐसे इवेंट्स करो कार्यक्रम करो जो बीदर में जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको चित्रकला के माध्यम से प्रोत्साहित करो और ये अपने निबंध के माध्यम से प्रोत्साहित करो। जैसे राष्ट्रीय 3 प्रकार की भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं, कन्नड़ हिंदी और अंग्रेजी भाषा। तो अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी और प्रांतीय भाषा कन्नड़ है। तो सभी यहाँ पर बैठे हुए अलग अलग भाषाओं में निपुण है, कोई कन्नड़ में है, कोई हिंदी में है, कोई अंग्रेजी में है। तो हम लोग ने सभी भाषाओं में यह निबंध का स्पर्धा भी आयोजन किया है। ये सार्वजनिक रूप से हमने अपने अपने जो घर है अपने अपने निवास स्थान के ऊपर ही बहुत ही ईमानदारी के साथ लिखने के लिए और चित्र बनाने के लिए ध्वनि यंत्र के माध्यम से मीडिया के माध्यम से आप लोगों को संदेश भेजा था और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोगों को बताया गया था। तो मुझे यहाँ विश्वास है कि और आप लोगों के चेहरे देखते हुए भी मुझे प्रतीत हो रहा है आप पूरी ईमानदारी के साथ इस स्पर्धा में भाग लें, क्योंकि आपके चेहरे ही पता है कितने सुंदर खिले हुए हैं। तो आप लोगों के चेहरे देखते हुए हमें भी बहुत आनंदित हो रहा है कि हमारे भारत देश में और हमारे राज्य में और हमारे बीदर जिले में इतने सत्यवान बच्चे बैठे हुए हैं जो आगे जा करके देश के बहुत बड़े प्रजा और भविष्य बनने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे लोग हैं, कोई देश में देश के लिए लड़ने वाला है, देश के लिए कुछ करने वाला है। तो आज ये आप लोगों का उमंग उत्साह देखते हुए भी हम लोगों ने भी यह भी सोचा है सभी को प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी देना है और जो भी निबंध में भाग लिए हुए हैं जो प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में आए हुए उन लोगों के लिए भी पुरस्कार का आयोजन ये ट्रस्ट के माध्यम से भी किया गया है। तो आप लोग सभी सर को भी जाना भी है और आप लोगों को भी कोई ना कोई कार्यक्रम व्यस्त होंगे, आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे आप लोगों के लिए भी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अभी मैं मैडम से और अनुराधा से भी निवेदन करता हूँ कि जो चित्रकला